हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने अपने जो शार्क फिशेस को दूसरे टैंक में शिफ्ट कर दिया है, और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा इनके बारे में। तो आज की वीडियो में मुझे यही कुछ दिखाना है, तो आप आगे देखिए कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया। तो फ्रेंड्स, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सामने जो टैंक है काफ़ी गंदा है, तो अभी मैं निकाल चुका हूँ फिशेस को। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे निकाली क्या करा। तो अभी मैं फिशेस निकाल चुका हूँ सारी, 3 शार्क्स मैंने शिफ्ट कर दी और बकेट में रखी हैं। कोई इस टैंक को आज अच्छे से क्लीन करूँगा, ये काफ़ी ईयर से क्लीन नहीं हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये कोई फिशेस है, तो ये मतलब काफ़ी ईयर से नहीं है, गलती से बोल दिया, 1 साल से इस टैंक की ग्रेवल्स क्लीन नहीं हुई थी, तो इसलिए ने मैंने क्लीन करा है। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने कर दिया वैसे क्लीन, तो बस वैसे नीचे से क्लीन कर चुका हूँ मैं और डाल चुका हूँ ग्रेवल्स। तो अपनी एल्गी हटा दूँगा मैं। तो फ्रेंड्स, वो एल्गी मैंने हटा दी है तो ग्लास क्लीनर मैगनेट की मदद से। और अब आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये मेरी 3 शार्क फिशेस है, गोल्ड फिश टैंक था मेरा, इसे मैं रखूँगा अभी गोल्ड फिश टैंक की। तो अभी के लिए क्या है कि शार्क्स को प्रॉब्लम हो रही थी, तो इनके लिए मुझे मजबूरन रखना पड़ा अभी इनको इनमें। और मैंने गोल्ड फिशेस को प्रॉब्लम ना हो इसलिए वहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये शार्क्स काफ़ी बड़ी हैं और ये इधर उधर बिना एक तरह से बिना देखे तेज़ी से इधर उधर मूव करती हैं और गोल्ड फिश को ऐसे धक्का लगाती हैं, तो इसलिए मैंने गोल्ड फिशेस को कोइस के साथ रख दिया है। तो आज की वीडियो में यही आप जान रहे हैं तो मेरे टैंक के अपडेट्स के बारे में। तो आपको अपडेट्स देने के लिए है ये चैनल, मेरी फिशेस और मेरे पेट्स के बारे में। तो अभी मैं बाद में 4 फीट टैंक लूँगा, तो उसमें इन शार्क्स को रखूँगा ओस्कर्स के साथ। उसके लिए आप देखना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है। और मैं आपको पहले सजेस्ट करता हूँ कि मेरी बाकी वीडियोस देखिए, तो आई होप आपको मेरा चैनल और कंटेंट पसंद आएगा। और आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें बिना ना जी, और आप बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे, तो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अभी ये शार्क्स मैंने 3 इसमें रखी है, 2.5 फीट टैंक में, 2 फीट टैंक में वे 3 कोइज है और 3 गोल्ड फिशेज हैं। तो ये भी आप देखेंगे अभी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आ चुका है वीडियो अब कोई फिशेस और गोल्ड फिशेस का। तो इसमें 3 कोइज हैं और 3 ही गोल्ड फिशेस हैं। तो ये टैंक मैंने काफ़ी अच्छा सजाया है इस बार, पहले कभी ऐसा नहीं सजाया था, क्योंकि मैं सजा भी नहीं सकता था, क्योंकि शार्क्स जो है कि उन्हें डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वह उनके टैंक के पास जाते हैं, कुछ भी उन्हें करते हैं अगर थोड़े से क्लीन कर, यहाँ तक कि फ़िल्टर भी हम साफ़ करने के लिए निकालते हो वो जंप करती है, और अगर जंप करके अगर वो बाहर आ गई तो मर सकती हैं, तो इसलिए हमें काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने कभी भी इस टैंक के ग्रेवल्स क्लीन नहीं किए थे, और फिशेस बड़ी हो रही थी, मैंने सब कुछ हटा दिया था, प्लांट्स भी हटा दिए थे, लेकिन अब मैंने इसमें एक हाइडिंग प्लेस भी रखा हुआ है और 2-3 प्लांट्स रखे हैं, एक बड़ा प्लांट है और 2-3 छोटे प्लांट हैं। तो अभी मैंने सामने अच्छे से रखे डेकोरेट करके, पर फिशेस ने इन्हें मूव कर दिया पीछे की तरफ, तो इसलिए आपको ये नहीं दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कोई फिश है, इसमें छोटा सोबो का फिल्टर लगा हुआ है, पहले गोल्ड फिश वाले में था क्योंकि उसमें 3 फिशेस थी, पर मैंने शार्क्स को बड़ा फिल्टर दिया है क्योंकि वो बड़ी है और ज़्यादा डर्ट करती हैं अभी। और मैं आपको बता दूं कि ये बस इतना ही बताना था मुझे वीडियो में, तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।